हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल कायाकल्प लेजर क्लिनिक बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहब पंजाब से। दोस्तों, हम हेल्थ के ऊपर, स्किन के ऊपर और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और अगर आप इसको देखना पसंद करें और देख रहे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस, नई नई ऑप्शन और नई नई जानकारी के साथ मिलते रहें। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपकी काफ़ी इंक्वायरीज मिल रही हैं मेरे को मिलाज़मा और पिगमेंटेशन के बारे में। आज हम उस पर ही बात करेंगे। मिलाज़मा, जिसको हम शाइयाँ, छाइयाँ या छाया किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, ये चेहरे के ऊपर काले या धब्बे या गहरे रंग के स्कार बन जाते हैं, जैसे मेलर फेशिया में होते हैं, आँख के आसपास होते हैं या मुँह के आसपास होते हैं। तो ज़्यादातर लेडीज़ में ये गर्भ अवस्था में भी बन जाते हैं, इसको मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी बोलते हैं। और कई बार लोगों के जैसे चेहरे पे आम तौर पे बन जाते हैं, वो बाज़ार में मिलने वाली क्रीम जैसे फेयर एंड लवली टाइप की, ऐसे टाइप की कोई मिलास डर्मा स्कीम क्रीम लगा लेते हैं, तो उनसे मिडर्मा टाइप की, तो उससे कई बार उनकी शिकायत रहती है कि जब तक हम क्रीम लगाते हैं तब तक तो ये साफ़ हो जाते हैं, जैसे ही हम दवाई लेना बंद करते हैं, क्रीम लगाना बंद करते हैं, तो ये दोबारा आ जाते हैं। तो ये मिलास्मा है क्या? तो मिलास्मा जो है ये हाइपर पिगमेंटेशन है आपके शरीर के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, डार्क हो जाती है स्किन वहाँ से, और ये बाकी के एरिया से डार्क लगता है, बाकी के आपके चेहरे से डार्क लगता है, आपके हाथ पैर या बॉडी से आपका काफ़ी डार्क हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर वन है जेनेटिक कारण। तो जेनेटिक कारण, अगर आप देखिए कि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को या रिलेटिव को, जैसे मामा चाचा हो गए, उनको अगर मिलास्मा की प्रॉब्लम है तो आप में ये होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी में ये आमतौर पे हो जाते हैं। तीसरा कारण है कि कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स की कमी की वजह से भी ये हो जाते हैं, जैसे एनीमिया का पेशेंट हो जिनमें खून की कमी होती है या किसी विटामिन की कमी होती है, तो उनमें भी ये आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जैसे हम धूप में काम करते हैं या यूवी बी लाइट में काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं उनके आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं और चेहरे के ऊपर भी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये मिलास्मा की प्रॉब्लम आती है, और ये तकरीबन ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जल्दी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जो बाज़ार में मिलने वाले जो कम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, उनमें एक तरह का स्टीरॉयड डाला होता है, तो उस स्टीरॉयड की वजह से जब तक आप उनको लगाते हैं तब तक तो आपका चेहरा साफ़ हो जाता है, जब जैसे ही आप उसका लगाना बंद करते हैं उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होते ही आपका मिलास्मा दोबारा आना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको ये परेशानी अनुभव होती है। तो इसके लिए आप अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो उसके लिए हमारे पास उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे उपाय हैं, जैसे कि आप लेज़र फोटो फेशियल करवा सकते हैं, कार्बन फेशियल करा सकते हैं, और पीआरपी से वैम्पायर फेशियल करवा सकते हैं, या केमिकल पील करवा सकते हैं। केमिकल पील से हम स्किन के ऊपर की डेड स्किन की लेयर उतार देते हैं, उनका एक्सफोलिएशन जल्दी कर देते हैं, तो स्किन टर्नओवर टाइम बढ़ जाता है। और उसके अलावा कुछ खाने के लिए मेडिसिन होती हैं और कुछ लगाने के लिए मेडिसिन होती हैं, ताकि आपकी कोई स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी चल रही है तो उसको पूरा किया जा सके, ताकि ये जब ट्रीटमेंट आप ख़त्म करें तो उसके बाद ये दोबारा आपके पास ना आए। तो इसके लिए बहुत सारी ऑइंटमेंट्स, बहुत सारी खाने की दवाइयाँ, बहुत सारी टाइप की केमिकल पील्स, और जैसे मैंने बताया लेज़र थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, इस टाइप की एंडी यैग थेरेपी, तो किस कई तरह की ये ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसी हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, पर सेशन अगर आप लेज़र भी करवाएं तो 5 to 7,000 में आपका ये लेज़र हो जाता है, प्लस आपकी मेडिकेशन अलग से कॉस्ट पड़ती है। और जिन लोगों को मिलास्मा की प्रॉब्लम है, मैं उन्हें सुजेस्ट करूंगा कि वो अच्छी मिनिमम 40 SPF की जो सनस्क्रीन है उसको लगा के बाहर निकलें या बाहर काम करें। और इसके अलावा आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं,
और फ्रेश फ्रूट्स खाएं, और जो मॉडर्न जो फास्ट फूड हैं उसको सेवन आप कम करें, और अच्छी डाइट लें, जो आपके मोटे अनाज हैं या होल फूड हैं जैसे, उनका सेवन करें और घर का खाना खाएं, तो आपका ये प्रॉब्लम जो न्यूट्रिशन की वजह से आती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं, हमारे से व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसका चार्जेज हमने 500 रखा हुआ है। और इसके अलावा आप अगर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे डालेंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी हम उस पर हमारा स्टाफ दे देगा। अगर आपने मेरे से बात करनी है तो आपको कंसल्टेशन चार्ज देके आप मेरे से बात वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं। हमारा पता है कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर, पंजाब। धन्यवाद दोस्तों। आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो है हाइपर पिगमेंटेशन या मिलास्मा ऑफ द स्किन, और उसके साथ साथ उनके चेहरे के ऊपर कट के निशान हैं जो उनके बचपन में पड़ गए थे, काफ़ी पुराने निशान हैं, तो ये उनको भी रिमूव करवाना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे इनके निशान हैं। इनके यहाँ माथे पे एक निशान है, आप जूम करके दिखा दें, ये वाला निशान जो आप देख रहे हैं ये निशान है, और इनके नाक के पास ये निशान है, यहाँ दो तीन निशान हैं, तो ये सारे ये रिमूव करवाना चाहते हैं। ये काफ़ी पुराने निशान हैं कि चेहरे के ऊपर हाइपरपिगमेंटेशन है। ये देखिए आँख के पास बिल्कुल ही काला हुआ पड़ा है, और ये होंठों के पास बिल्कुल देखो स्किन काली हो गई है सारी, तो इसका इलाज ये करवाना चाहते हैं। तो आज हम इनका इलाज करेंगे। और मेरे से बहुत से दर्शक पूछते हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्स डालो। अब ये भाई साहब यूपी से आए हुए हैं, अगर मेरी कोशिश ये होती है कि एक या दो बार में ये ठीक हो जाए या दो तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास, उसके बाद पेशेंट इतनी दूर से मुड़के नहीं आता या हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, तो उनकी पोस्ट की पिक्चर हमारे पास थोड़ी सी परेशानी आ जाती है हमें उपलब्ध करवाने में। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास कोशिश करके उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आपको पोस्ट प्रोसीजर की इनको जो रिज़ल्ट आया है और उनकी रिज़ल्ट आपकी पिक्चर्स आपको भेज सके, क्योंकि हमें फीडबैक है कि उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, हमारी बात होती है पर पिक हमारे पास नहीं आई। अब हम कॉन्टैक्ट करके उनसे मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी आपको पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।